नाव की बात करते हैं, जहां पर कानपुर लखनऊ हाईवे पर एक लड़के के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। हाईवे पर सड़क किनारे बदहवास मिली लड़की ने अपने साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप किए जाने की बात कही। इस वारदात की खबर से सनसनी फैल गई। जख्मी युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें लगा दी है। युवती के मुताबिक स्कॉर्पियो पर सवार युवकों ने उसे लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाया। युवती का आरोप है कि उसके साथ 5 युवकों ने गैंगरेप किया है। तो यूपी में दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इनका कहना है कि रास्ते में ये सो गई हैं और फिर इनके साथ जब ये जगी हैं तो किसी अटपटी जगह पे इन्होंने देखा और उनको शक हुआ कि ये लोग जो है शायद मेरे साथ कुछ करेंगे, तो इन्होंने मना किया, कहा कि मुझे यहीं पर उतार दीजिए, लेकिन उन्होंने उतारा नहीं और इनका रेप किया। अनुराज भारती हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अनुराज, क्या केस दर्ज कर लिया गया? इसी के साथ अगर बात करें आरोपियों की, क्या पुलिस उन तक पहुंच पाई? जी बिल्कुल, आपको बता दूं तत्काल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर केस दर्ज कर दिया गया है और पुलिस कप्तान ने एक टीम लगा दी है आरोपियों को पकड़ने के लिए। ये जो आरोपी है इसमें युवती दो लोगों को पहचानती है जो हमीरपुर के रहने वाले हैं, तो टीम लगाकर उनकी गिरफ्तारी की कवायद शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं ये लगातार आपराधिक घटनाएं उन्नाव में बढ़ रही हैं, जिसको लेकर पुलिस कप्तान ने टीम बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये युवती है, अपने घर से अहमदाबाद के रहने वाली है, परिजनों से लड़ाई कर आई थी अपने गाँव हमीरपुर के लिए। कानपुर स्टेशन पर उतरने के बाद ये बस से हमीरपुर जा रही थी, तभी इसे कुछ युवकों ने पकड़ा था और पकड़कर अपनी गाड़ी में जबरन बिठा लिया था, जिसके बाद कानपुर लखनऊ हाईवे पर उन्नाव के क्षेत्र में इसे फेंककर फरार हो गए थे। चले, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो कानपुर लखनऊ हाईवे पर ही गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस की तरफ से केस दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक टीम का गठन भी किया गया।